हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। और ये ऐसा पेड़ है जो जिसको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। सिर्फ 3 या 4 घंटे की धूप में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इस समय मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को नाम पता होगा। वैसे मुझे नाम याद है, पर इस समय बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। आप लोगों को याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नाम। और ये बहुत ही सुंदर फूल है दोस्तों, इसमें परमानेंट फ्लावरिंग होती ही रहती है। मैं इसको लाए हुए 6 महीने हो गए, लगातार फूल इस पे चल रहे हैं। मैं आज अपने गार्डन में, मुझे एक सीड ग्रो करने थे वेजिटेबल के, और काफ़ी सारे मैं ग्रो भी कर चुकी हूँ, तो उनकी अपडेट भी दूंगी। और जो मैं सीड ग्रो करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ जो मैंने सीड वेजिटेबल के ग्रो किए थे वो किस कंडीशन में है। देखिए दोस्तों, मैंने ये बहुत सारे सीड ग्रो किए हैं। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे डिब्बे जो मुझे मिल जाते हैं, मैं उन्हीं में सीड लगा देती हूँ। और अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आपको इनकी अपडेट दिखा देती हूँ। इनको लगाए हुए 8 से 10 दिन हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने धनिया लगाया हुआ है, और ये देखिए धनिया ग्रो होने लगा है। इसमें एक एक दो दो पत्ती निकलनी शुरू हो गई है धनिया में। यहाँ पर मैंने पालक ग्रो किया हुआ है। ये पालक देखिए थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि अभी मुझे इसे लगाए हुए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। पालक 3 से 4 दिन में ग्रो हो जाता है। और ये जो 10 दिन पुराना पालक है, वो देखिए कितना बड़े बड़े इसके पत्ते हो चुके हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मतलब थोड़ा सा बीज आज डाल दिया, फिर 2-3 दिन बाद के थोड़ा सा बीज सीड डाल दिए। तो इस तरह से हमें ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम एक साथ सारे सीड डाल देते हैं तो हमारी सारी वेजिटेबल एक साथ बड़ी होती हैं, और हम फिर इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना चाहिए। अब देखिए, मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, तब तक मेरे पास ये तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाटर ग्राउंड लौकी जो गोल वाली होती है वो मैंने लगाई है, तो ये भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अब देखिए, कुछ सीड मेरे ये हैं 2-2, 3-3 पत्तियों वाले हो गए हैं सीडलिंग जो है। और कुछ में ये देखिए, अभी ये आपको सीड लगा हुआ भी दिख रहा है, इस तरह से निकल रही है ये देखिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप करके, एक एक हफ्ते का 15-15 दिन का गैप करके वेजिटेबल लगाती रहती हूँ। तो ये मैंने एक बकेट, 15 लीटर की बकेट है, उसमें डाला हुआ है। देखिए दोस्तों, एक प्लांट ये निकला हुआ है, और ये मैं किसी भी पॉट में कहीं भी लगा देती हूँ। ये क्लांचो का मेरा पॉट है, और इसके अंदर निकला हुआ है, मैं इसको लगाऊंगी। और इस तरह से ये देखिए, ये प्लास्टिक का पानी वाला जो ग्लास होता है उसमें मैंने लगा रखे हैं 2 प्लांट। तो ये देखिए, इनकी भी ग्रोथ हो गई है। तो अब इनको मैंने पानी नहीं दिया, इसलिए थोड़े से पत्ते इनके वैसे दिख रहे हैं। और ये देखिए, इसकी रूट्स कितनी अच्छी हो गई हैं, और नीचे से भी ये रूट्स निकलने लग गई हैं। तो आज मैं इसको ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, इसको लगा लेते हैं। और इसके लिए मैंने पेंट की बाल्टी ली है 20 लीटर वाली, और यहाँ पर जहाँ हम, ये मिट्टी मेरी तैयार है बिल्कुल, खूब अच्छी तरह मिट्टी बना के मैंने लगा रखा है। और अब मैं इसमें ये लगा दूंगी दोनों निकाल के। देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला प्लांट भी ट्रांसप्लांट कर दिया है, और जो 2 पानी के ग्लास में लगे थे इनको भी यहाँ बकेट में लगा दिया है। और अब ये पेड़ झुकेगा, इसलिए मैं थोड़े से सपोर्ट दूंगी, और इसी तरह से इसे छाया में रखेंगे हम 1-2 दिन के लिए। चलिए, अब कौन सा सीड ग्रो करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो बीन्स दिख रहे हैं आपको, ये लोबिया या राजमा नहीं है दोस्तों, ये फ्रांस बीन्स जो आती है उसके बीज हैं ये सीड। तो ये पैकेट भी मिलता है, लेकिन पैकेट बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ खुले भी बीज मिल जाते हैं, तो हमें अगर थोड़े से लेने होते हैं तो हम खुले हुए ले लेते हैं, अच्छी वैरायटी के होते हैं। तो मैं ये थोड़े से लेके आई हूँ, और इनको अब हम ग्रो करेंगे। इसका पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे 12 से 15 इंच के गमले के बीच में आराम से लगा सकते हैं, और उसमें खूब अच्छी हमें वेजिटेबल मिल जाती है। तो चलिए, इसको लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बोतल प्लांटर है मेरे पास, ये 10 लीटर वाला है। और हमारे यहाँ इस तरह से कभी हैंड वॉश वगैरह आते हैं, या फिर फिनाइल के ये बोतल आती हैं, तो मैं इस तरह से इनको काट के यूज़ में ले लेती हूँ। तो ये 10 लीटर का 1 या 2 पेड़ के लिए हमारे लिए काफ़ी है, चलिए इसी में लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैं 3 सीड लगा दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। बहुत, जितना बड़ा बीज होता है उतनी ही गहराई में हमें रखना है।
और इसमें मैं 3 सीड लगा रही हूँ, अगर एक सीड खराब भी हो जाएगा तो 2 प्लांट हमारे आसानी से चल जाएंगे। हमेशा हमें एक तो एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, अगर हम एक सीड लगाएंगे और वो किसी वजह से जर्मिनेट नहीं हुआ तो हमारा प्लांटर खाली रह जाएगा और हम इतने दिन तक वेट करते रहेंगे। तो मैंने इसीलिए 3 सीड लगाए हैं, अगर 3 में से 1 खराब हो गया तो मेरे पास दो सीड बचे रहेंगे और मैं इनको 2-3 जगह और भी लगाऊंगी दोस्तों। तो चलिए बस गार्डनिंग में आज मेरा इतना ही काम है और इस सुंदर से फूल के साथ मैं अपनी वीडियो रखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।